नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लिटो शांति में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये वाराणसी सीरीज का दूसरा ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं कि सामने आपको कॉरिडोर दिख रहा है जो नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया था, और इसके जस्ट बगल में ये मणिकर्णिका घाट आपने देखा है। तो फ्रेंड्स, मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता ये भी है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं। आज भी आहरनिश यहाँ दाह संस्कार होते रहते हैं। और नजदीक में काशी का आद्य शक्तिपीठ विशालाक्षी जी का मंदिर विराजमान है। नाव द्वारा सभी घाटों के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान का आनंद भी उठाया। तो फ्रेंड्स, स्नान करके अब हम लोग जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बहुत देर हो गई है, तो चलिए चलते हैं, आपको थोड़ा घाट के भी दर्शन करा लिए। और बताइएगा वीडियो कैसी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। सो फ्रेंड्स, ये गंगा घाट के किनारे कुछ शॉप लगी हुई थी जहाँ पे ये लकड़ी के सामान मिल रहा था, टोकरी वगैरह। तो ये भी निर्माण कार्य चल रहा है, देखिए भोले बाबा बने हुए। और ये है दशाश्वमेध भवन, अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अगली बार जब आएंगे सरपंच बाबू अकाल का सो फ्रेंड्स, बनारस की तंग गलियों से होते हुए हम लोग गेट नंबर 2 से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो जहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे वहीं पर हम लोग मोबाइल वगैरह रख देंगे, तो वहाँ के दर्शन आपको नहीं करा पाएंगे। काशी विश्वनाथ के बगल में ही माता अन्नपूर्णा भवन बना है, जहाँ पे आपको मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। काशी चाट पहुंचने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैंने मार्केट भी दिखाया है, जो बनारस की तंग गलियों में इतनी सुंदर मार्केट लगी। ये देखिए कितनी सारी भीड़ है, और हम लोग जाने कहां से काशी चाट भंडार के बारे में पूछते चले हैं। और जब यहां पहुंचे तो देख सकते हैं ये है बहुत पुरानी दुकान, और ये है इतनी भीड़। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी चाट की, तो चलिए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार की वैरायटी यहाँ पे उपलब्ध है। ये देखिए सामने मीनू है, पानी पूरी 30 रुपये की, और ये दही पूरी, आलू टिक्की और टमाटर चाट, मटर, पालक मटर, ये फ्रेंड देख सकते हैं आप पॉज करके। तुम काफी क्या लग रहा है, कान भर की बात ही अलग है। राइस मैंने खाया, मुझे जरा से भी मजा नहीं आया। वो कहावत आपने सुनी होगी कि ऊंची दुकान के फीके पकवान, वही यहाँ पर है और कुछ नहीं। अच्छा, किसी के चक्कर में और आप हाँ। सो फ्रेंड्स, भाई साहब को तो यहाँ काशी चाट भंडार की टिक्की पसंद नहीं आई, उनको ज्यादा कुछ खास नहीं लगा इसमें। तो फ्रेंड्स, अरे भाई रुक जाओ, भाग जा रहे हो, रुको एक मिनट। फ्रेंड्स, भाई साहब इतने क्रोध में थे कि मुझे छोड़ के ही चले जा रहे हैं। पता इतना बुरा भी नहीं था, मगर हाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग पैसा थोड़ा ज़्यादा था। फेमस हो चुका है ना, तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज वो करेंगे, बाकी टेस्ट तो अच्छा था। ये एक कुछ भाई साहब सबने खाया पिया और निकल गए। मैं ही रह गई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं हम भी, क्या करेंगे यहाँ पे रुक के। तो फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं पानी के गोलगप्पे। सुबह से मम्मी का बहुत खाने का मन कर रहा था गोलगप्पे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं गोडलिया मार्केट, और इधर ही आगे पड़ता है आपका काशी चाट भंडार। तो फ्रेंड्स, आइएगा तो यहाँ पे चाट जरूर खाइएगा। हाँ, हो सकता है आपको यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगे। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए आए, तो मैंने सोचा चलिए आपको थोड़ा सा मार्केट भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा, और हम लोगों ने भी की थी बहुत सारी शॉपिंग। उस आप जैसे कि देख सकते हैं कितने सारे यहाँ रेडीमेड के सामान हैं, और ज्वेलरी वगैरह भी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, बहुत सुंदर सुंदर
आगे मैं आपको दिखाऊंगी टॉप वगैरह भी, तो इंजॉय करिए आप। टॉप टंगे हुए हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा रेट बता देती हूँ पूछ के। भैया कैसे दिए टॉप? 200। ये देखिए फ्रेंड्स, 200 रुपए में। और ये भी आपको 200 में मिल जाएंगे। इसके बाद चलिए चलते हैं गंगा आरती के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को गंगा आरती सामने से देखनी है तो आप लोगों को 5 बजे यहाँ आना पड़ेगा। हम लोगों को किसी ने मिसगाइड कर दिया था। उन्होंने बोला कि गंगा आरती होना बंद हो गई है बाढ़ की वजह से, तो इसलिए हम लोग बहुत लेट आए थे। पर आप लोग आना तो जल्दी आइएगा। गंगा आरती के बाद हम लोगों ने गंगा किनारे खूब इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी शॉप। ये देखिए फ्रेंड्स, नव निर्माण प्लेस, ये है ललिता घाट, और ये बनाया गया अभी जो नया कॉरिडोर बना है वो सामने देख सकते हैं। कितना सुंदर लाइटिंग है, ये ऐसा लाइट जल रही जैसे लग रहा है दिया जल रहा है ना। हाँ फ्रेंड्स, कॉरिडोर रात में कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा हम लोग को देखने को मिलता है, और जो कि बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर है। और आप सामने देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन लाइट से मूर्तियां भी बनी हुई हैं, और यहाँ के जो मार्बल्स और पत्थर चुन चुन के लगवाए गए हैं। तो चलिए हम लोग भी इंजॉय करते हैं कॉरिडोर के नज़ारे का आनंद लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का कुछ रात में फुल ऑफ लाइट कॉरिडोर हम लोग का दिखता है। यहाँ से गंगा जी से सीधे टेम्पल जाने के लिए रास्ता दिया गया है, जिससे आपको ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा। ये अहिल्या बाई की मूर्ति थी, और ये देखिए रिफ्लेक्शन लाइट से अभी आपको यहाँ पे मूर्ति चित्र दिख रहा है, फिर अभी जस्ट अब देखिए तो यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कुछ यूनिक चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और ये सामने है काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए रास्ता, जिसके लिए पूरा भव्य भवन बनवाया गया है। और इधर मिल जाती है आपको भारत माता की मूर्ति देखने को, और ये मंदिर है पूरा। सो सामने आप गेट देख सकते हैं टेंपल जाने का, और ये है अहिल्या बाई की मूर्ति। और इधर से अब हम लोग यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जल पीने की भी व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे नल वल लगे हैं, तो यहाँ से हम लोग आप पानी वानी भर के बाहर के लिए की तरफ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे। और ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। और ये देखिए बनारस का रात का जो सीन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और हम लोग बैठे हैं रिक्शे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सवारी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो और बहुत हाई चार्जेस भी थे भीड़ की वजह से, पर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को मिल गया। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।